रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही, 10 स्थानों से अवैध रेत के भंडारण जब्त। नर्मदा किनारे क्षेत्रों में अवैध रेत के कर रखे थे भंडारण, कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप। नसरुल्लागंज क्षेत्र में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन एक्शन में आ गया है। खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रेत के भंडारण को जब्त किया, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार रेत माफियाओं द्वारा नर्मदा में कई स्थानों पर रेत के रोड बनाकर बीच नर्मदा से रेत निकालकर भंडारण किया जा रहा था, जिस पर शिकंजा कसते हुए खनिज विभाग के अमले ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नर्मदा किनारे क्षेत्र के ग्राम छिदगांव काछी बड़गांव में अवैध रेत के भंडारण को जब्त किया। नर्मदा में करीब 10 स्थानों पर माफियाओं ने रेत निकालकर भंडारण कर रखा था, जिसे खनिज अमले ने जब्त कर लिया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जिला खनिज अधिकारी एमआई खान ने बताया कि अवैध रेत के भंडारण की सूचना मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए करीब 10 जगह रेत के स्टॉक को जब्त किया है। रेत निकाल रही 2 जेसीबी मशीन को भी पकड़ा गया है। खेतों में आसपास के क्षेत्रों में रेत स्टॉक कर रखी थी, जो हल्की क्वालिटी की रेत थी उसे नष्ट करने के लिए खेतों में फैला दिया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही अब लगातार जारी है। नसरुल्लागंज पवन माहेश्वरी। जब्त करके उठा के रखा गया और जो खराब तरह की रेत थी उसको वहीं पे फैला दिया गया। कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के दौरान 2 जेसीबी मशीन भी जब्त की गई हैं, जिनको मसलन खालत कर दिया गया। कल लगभग कितने डंपर रेत ये होगी और आगामी क्या ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? अभी हम बड़गांव पहुंचे थे, वहाँ ये देखने में आया कि नर्मदा में रास्ते बनाए गए कि अन्य घाटों पर भी हैं, तो उनको भी क्या नष्ट नाबूद कर घाटों पर एनजीटी की रोक के लिए कोई कार्रवाई घाटों पर की जाएगी? हाँ, अभी तक लगभग 18 डंपर रेत जब्त की जा चुकी है। कार्रवाई जैसा आप पीछे देख रहे होंगे मेरे चल रही है, और इसके बाद आगे जाते हुए जहाँ रास्ते बनाए गए नदियों में उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जिस जगह निजी भूस्वामी ने अपने खेतों में कर रखी है अवैध भंडारण, उनके खिलाफ अवैध भंडारण के प्रकरण भी दर्ज किया।